How to make attractive menu for food businesses. सो so, अगर आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है मुझे देख पा रहे हैं क्लियरली इसको मैं अभी लाइव कर रहा हूँ बाद में रिकॉर्डिंग भी देख रहे हैं तो प्लीज़ मैं जानना चाहता हूँ कहाँ तक हमारे वीडियोज़ जा रहे हैं अपना सिटी का नाम लिखकर चैट में बताइए और आखिरी तक ये वीडियो देखना तो आई हैव अ वेरी स्पेशल वेरी स्पेशल गिफ्ट फॉर यू जो मैं सिर्फ आखिरी में आपको दूंगा और राइट बाई दे वे ऐसे हम बहुत सारे वीडियोज़ कर रहे हैं ऑलरेडी कुछ वीडियोज़ ऑलरेडी आ चुके हैं जैसे इनक्रीज़ कैसे करें स्विगी और जोमैटो पर अपनी रेटिंग्स को कैसे आप फूड फोटोग्राफी कर सकते हैं दो में अपने फूड की फोटोग्राफी के अगेन उससे भी बिजनेस में ग्रोथ मिलती है और कैसे पाँच मिनट में बर्गर हो बिरयानी हो नॉर्थ इंडियन खाना हो ये सब को कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है इस पर ऑलरेडी सेशन हो चुके हैं बट आज का सेशन इज गोइंग टू बी दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट कैसे एक अट्रैक्टिव मेन्यू बनाए फूड बिजनेस के लिए सो so कमेंट में लिख के बताइए आप लोग कहाँ से देख रहे हैं और लेट्स गेट स्टार्टेड पता है कोई भी चीज मेरा मानना है समझने से पहले सीखने से पहले जानना जरूरी है कि इसकी ज़रूरत भी क्यों है एंड इसीलिए पहले समझते हैं कि वाई इट इज वाई मेन्यू इज़ इम्पॉर्टेंट मेन्यू की जरूरत भी क्यों है या इंपॉर्टेंट क्यों है और क्यों ना हम एक एमएस वर्ड पर ही सिर्फ सिंपली लिख दें मेन्यू आइटम और प्राइजेस जो स्टैंडर्ड आप मेन्यू देखते होंगे नॉर्मली यूजली काफ़ी बोरिंग होते हैं टू बी ऑनेस्ट बुरा मत मानना किसी का ऐसा मेन्यू हो तो लेकिन मेरा इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ प्यार है और मैं चाहता हूं कि आप सक्सेसफुल बनो ग्रो करो उसके लिए ज़रूरत है कि एक्सेप्ट करो फैक्ट को कि अगर बोरिंग है तो उसको इंटरेस्टिंग बना लेते ना सीख के ये किया जा सकता है और राइट सो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ये समझना कि क्यों मेन्यू को इंटरेस्टिंग बनाए चार पॉइंट्स बता रहा हूं मैं जैसे ही आप एक मेन्यू को इंटरेस्टिंग बनाते हैं वैसे ही आप देखोगे एक सेंस ऑफ वैल्यू कस्टमर के आ, मन में आती है कि आ, देखो ये ना नॉन एमआरपी प्रोडक्ट है फूड नॉन एम इसकी कोई एम नहीं है कि हाँ भाई सौ रुपए का है तो सौ रुपये का ही मिलेगा इसकी एम आप डिसाइड, डिसाइड करते हो आपका मेन्यू डिसाइड करती है आपका लोगो डिसाइड करता है आप किस तरह से प्रेजेंट करते हो इसी से तो फूड की एम डिसाइड हो रही है वरना कोई मैक्सिमम रिटेल प्राइस तो है नहीं किसी चीज का राइट सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट तो मेन्यू जब खूबसूरत मतलब आपका ब्रांड है आप भले ही उसको घर से आउट ऑर्डर दे रहे हो डिलीवर कर रहे हो या एक छोटी सी शॉप से आउटलेट से आ, इवन Uh, बहुत सारे लोग हैं जो मैं देखता हूं ठेले से भी बहुत अच्छा ब्रांड चला रहे हैं और डिलीवरी दे पा रहे हैं अगेन नॉर्मली देखो ठेले वालों के लिए अगेन पूरे दिल से रिस्पेक्ट है बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी लोग ज़्यादा पैसा नहीं देते अगर आप चाहते हो कि एक टाइम बाद ज्यादा पैसा चार्ज कर पाओ तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपने ब्रांड को ऐसा बिल्ड करो क्योंकि इस बिजनेस में स्पेशली मैंने कई बार कहा है आज फिर मैं बोलूँगा खाना बेच के बड़ा पैसा नहीं बना सकते हैं ब्रांड बेचकर बिजनेस बेच के बना सकते हैं तो ब्रांड बेचने का मतलब ही है जब आपका मेन्यू खूबसूरत है लोगो खूबसूरत आपको देख कर लग रहा है कि यार कोई बड़े आउटलेट से आ रहा है लग रहा है उसके अलावा जो लोग होते हैं ना हम सब न किसी ना किसी इंसान को ही सेल कर रहे हैं और इंसान जो है ह्यूमन जो होते हैं वो एक साइकोलॉजिकल बीइंग होते हैं वो सीधा सीधा नहीं चलते साइकोलॉजी अगर आप ह्यूमन की समझ पाते हो कि आदमी की सोच क्या है अगर नेचुरली लाल का मतलब खतरा है तो है राइट right? तो अगर आप लाल कलर से प्राइस बड़ा बड़ा लिख रहे हो और आदमी के दिमाग में वो परसीव हो रहा है कि खतरा है बहुत महंगा है तो इसमें आपने शायद महंगा दिया भी नहीं था लेकिन आपने कुछ ऐसी गलतियां कर दी जिसकी वजह से वो खतरा लगने लग गया तो ऐसी गलतियों को अवॉइड करना चाहिए हम इंसान हैं इंसानों की साइकोलॉजी को समझ के अगर आप प्राइस और मेन्यू बनाएंगे तो चांसेस आर आप ज्यादा सेल कर पाएंगे इसीलिए मैं पॉइंटर्स बता रहा हूं क्यों मेन्यू इंपॉर्टेंट है तो एक कस्टमर के अंदर वैल्यू जनरेट हो आपके फूड को लेकर कि यार बॉस अच्छा वैल्यू है दूसरा इंफ्लुएंस कर पाए कस्टमर के डिसीजन को मोटिवेट कर पाए कि वो ज्यादा खरीदे देखो वो पैसा ज्यादा देगा तो आप वैल्यू भी तो ज्यादा दोगे ना प्रोडक्ट भी अच्छा दोगे ना क्वालिटी भी उस चीज़ की अच्छी होगी क्वांटिटी ज्यादा होगी तो जेनविन है विन विन सिचुएशन है इसमें किसी को आप कन्वर्ट नहीं कर रहे हो कई बार लोग सोचते हैं यार ज्यादा पैसा ले रहा है लूट रहा है एंड ऑल ऑफ दैट ये सोच खासकर हमारी क्लाउड किचन नेटवर्क कम्युनिटी है हमारी कम्युनिटी में ये सोच नहीं है क्योंकि हमें पता है कि अगर हम ज्यादा पैसा लेंगे तो हम वैल्यू भी उसको ज्यादा देंगे सिंपल या बाय बाद में कितने लोग यहां पे मैं पूछना चाहूंगा कितने लोग हमारी कम्युनिटी से हैं क्लाउड किचन नेटवर्क फैमिली से देख रहे हैं जस्ट टाइप फैम एफ एम तो मुझे पता चल जाएगा कितने फैमिली मेंबर्स भी वॉच कर रहे हैं इस वीडियो को तीसरा पॉइंट कस्टमर का सेटिसफेक्शन भी बढ़ता है जब आप मेन्यू अच्छा रखते हो और उस, उसको जस्टिफाई करते हो अपने फूड से जब आपकी क्वालिटी अच्छी है डिलीवरी अच्छी है मेन्यू अच्छा है तो कस्टमर के अंदर एक सेटिस्फेक्शन की वैल्यू आती है और वो आपका कस्टमर फॉर लाइफ बनता है और फिर वेल डिजाइन मेन्यू आपके प्रॉफिट्स को भी बूस्ट करता है क्योंकि देखो अगर आप कह रहे हो कि नहीं नहीं पैसा पैसे से क्या होता है पैसा सब कुछ नहीं होता देखो आई एग्री पैसा सब कुछ नहीं होता ठीक है अगर आपकी हेल्थ ख़राब है तो वैसे का कोई मतलब नहीं आपके रिलेशनशिप खराब है तो वैसे का कोई मतलब नहीं है आपका दिमाग डिस्टर्ब रहता है टेंशन में हो घर वालों को टाइम नहीं दे पाते आप फ्रस्ट्रेटेड हो आप दूसरों पे सिर्फ फ्रस्ट्रेशन निकालते हो या फिर आप खुद से ही झुंझलाए रहते हो कोई आपको पसंद नहीं करता तो पैसे का कोई मतलब नहीं है लेकिन कई बार होता है कि हम पैसा ना कमा पाने की काबिलियत ना काबिलियत को छुपाते हैं ये बोल के कि पैसा सब कुछ नहीं होता है सो so, आज मैं चाहता हूं अगर ऐसा कोई है तो डोंट डू इट सो हमने समझा कि क्यों मेन्यू इंपॉर्टेंट है राइट right? नाउ अब एक एक करके पॉइंटर समझ लेते हैं कि क्या है जो चीजें आपके मेन्यू को खूबसूरत बना सकती है पॉइंट नंबर वन आपका लेआउट एंड प्लेसिंग ओके सो लेआउट और प्लेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अगर वाकई आप प्रॉफिट कमाना चाहते हो अपने प्रॉफिट्स को बूस्ट करना चाहते हो मेन्यू से कहा जाता है दस से पंद्रह परसेंट तक भी मैंने खुद भी देखा है प्रॉफ़िट्स को ग्रो करते हुए बट अगेन स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा कहाँ पे कैसा लेआउट यूज़ करें कहाँ पे प्लेस करें कौन सी चीज़ प्लेस करें सो अंडरस्टैंड दिस वेरी फर्स्ट पॉइंट जैसे एक मेन्यू का एग्जाम्पल यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ जब आपकी कोई अगर स्पेशल डिश है या एक्सपेंसिव डिश है या चाहते हो आप वो सेल हो यहाँ पे एक बॉक्स दिख रहा है बॉक्स है स्पेशल चीज़ों के लिए जब आप किसी बॉक्स में मेन्यू के अंदर बॉक्स बनाकर कोई चीज हाईलाइट करते हो तो ये काफी अट्रैक्टिव बना देता है उस एक चीज पे ध्यान ज्यादा जल्दी जाता है इस पूरे मेन्यू में आपने देखा होगा बॉक्स पे जल्दी ध्यान गया होगा यस yes ये no? टाइप टाइप करके बताना मुझे कमेंट्स में अगर मेन्यू पे आपके बॉक्सेस पे ध्यान जा रहा है तो ये शायद सबका ही जा रहा है यही मैं कह रहा हूं ह्यूमन साइकोलॉजी को समझे लोग क्या पसंद करते हैं नेचुरली वो चीज आप भी करेंगे तो आपके चांसेस ज्यादा है सेल करने के यस ओन एंड दैट्स वाई यू नीड टू लर्न कि क्या साइकोलॉजी होती है तो जब भी आप हाईलाइट कर देते हो बॉक्स यूज करते हो तो सेल ज्यादा होती है इसी तरह गोल्डन ट्राइंगल लोग फॉलो करते हैं जब भी आप देखते हो ना कोई भी चीज अगर आप देखोगे देखना शुरू कहां से करते हो देखना शुरू आप टॉप लेफ्ट से करते हो सेंटर से करते हो एक्चुअली यू स्टार्ट इन द मिडिल तो जैसे कोई भी मेन्यू है उसके बीच से स्टार्ट करके आप जाते हो सीधे राइट right कॉर्नर पे फिर जाते हो आप लेफ्ट कॉर्नर पे और उसके बाद फिर आते हो आप सेंटर पे तो दिस इज़ कॉल्ड गोल्डन ट्राएंगल तो अगेन बहुत सारे साइंटिस्ट ने रिसर्च की और उसमें देखा कि एक गोल्डन ट्राएंगल पैटर्न होता है जब हम कोई भी मेन्यू को एक बार में देखते हैं जो चीज़ पहले नजर जाती है वो बीच में होती है तो बीच में ऐसे आइटम्स रख सकते हो जिसकी ज़्यादा डिमांड हो या आप चाहते हो ज़्यादा बेचना आपके मार्जिन ज़्यादा हो फिर टॉप राइट पे मेन्यू पे प्राइस के लिए जाती है निगाह तो वहां पे आप अगेन टॉप पे भी कुछ ऐसे मैन्यू आइटम पोजीशन कर सकते हो जिनको आप सेल ज़्यादा करना चाहते हो बाय द वे हम इफ यू आर लविंग दिज आइडियाज अभी मैंने जस्ट शुरू ही किया आर यू लविंग इट जस्ट टाइप एल आई लविंग इट और मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोग फैमिली मेम्बर्स भी हैं शुभम मेहरा दिवोजीत uh, जो देख रहे हैं uh, कुछ लोग कोलकाता से देख रहे हैं कुछ लोग uh, मुंबई से देख रहे हैं आई एम अमेज एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लाइफ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल नोटिफिकेशन दबा दो जब भी मैं लाइव मेरे सारे वीडियो जब आते हैं लाइव आते हैं तो अगर बाद में रिकॉर्डिंग देख रहे हो अगली बार लाइव आने वाला होगा तो आपको नोटिफिकेशन पहले आ जाएगा राइट नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट इज हमेशा नेगेटिव स्पेस को यूज करें तो कई बार आप कई मेन्यू देखते हो जिसमें लेफ्ट साइड में सिर्फ प्राइस है आइटम है राइट साइड में प्राइस है बोरिंग लगता है या फिर भरा हुआ है टैक्स से हाईलाइट हाई हर चीज़ हाईलाइटेड है समझ में नहीं आता है कि किस पे फोकस करना है किस पे नहीं और आदमी जल्दी डिस्ट्रैक्ट होता है आपको एक सिंपल सा मेन्यू यहाँ पे दिखा रहा हूँ कैसा सिंपल सा मुझे काफ़ी ब्यूटीफुल लगा बड़ा सिंपल प्लेन सा मेन्यू है और इन्होंने कैसे यूज़ किया है कि लेफ़्ट साइड काफ़ी सारी नेगेटिव स्पेस का भी यूज़ किया है मतलब बहुत सारा भरा हुआ नहीं है टैक्स 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 नहीं है सिंपल मेन्यू है दूर दूर चीज़ें लिखी हुई हैं और जो स्पेशल है उसके लिए बॉक्स भी बना हुआ है और साथ में Uh, उसको अलग से हाईलाइट भी किया हुआ तो ऐसी चीज़ें अगर आप अपने मेन्यू में करेंगे तो चांसेस आर कि आप कस्टमर को डिस्ट्रैक्ट कम करेंगे ऑर्डर देने पे ज़्यादा कन्वेंस करेंगे मजबूर करेंगे uh, उसका अपने आप बाय डिफॉल्ट आपके ऑर्डर देने पे आपको ध्यान जाएगा गॉड इट नाउ कमिंग टू फॉन्ट्स एंड टाइपोग्राफी ये एक चीज़ है जिसका मैं देखता हूं बहुत कम लोग ध्यान देते हैं और ख़ासकर नॉलेज भी कम होता है फॉन्ट्स एंड टाइपोग्राफी और जैसे अगर यहाँ पे आप क्लाउड किचन नेटवर्क लिखा हुआ देख रहे हैं इसकी भी फॉन्ट आप देखो कि किस तरह से लिखा हुआ है बहुत सिंपलीफाइड सिंप्लिसिटी इज पावर जितना आप सिंपल यूज करेंगे उतना ही पावरफुल होगा तो इसलिए फॉन्ट्स और टाइपोग्राफी का खासा ख्याल रखना चाहिए एंड लेट्स अंडरस्टैंड कि फॉन्ट्स कैसे यूज़ करने देखो चार पॉइंट बता रहा हूँ सिंपल रखें पढ़ने में ईजी हो बड़े फॉन्ट रखें ताकि आदमी कंपेयर कर पाए प्राइजेस दो दूर से भी देखे समझ में आए खासकर अगर आप बुज़ुर्गों को या बच्चों को टारगेट करते तब भी फॉन्ट साइज़ बड़ा रखें ताकि उनको पढ़ने में ईजी हो ऑर्डर देने के लिए और फॉन्ट बहुत क्रिएटिव ना हो जाए ओवर क्रिएटिव कई बार हम हो जाते हैं बहुत सारे फॉन्ट यूज़ कर लेते हैं बोरिंग है वो डिस्ट्रैक्शन का, का काम करता है खूबसूरत भी नहीं लगता है इसलिए मैक्सिमम तीन फॉन्ट से ज़्यादा ना यूज़ करें और अपर केस जो है आ, उसको यूज़ करें टाइटल के लिए और डिस्क्रिप्शन में अगेन लोअर केस यूज़ करें और डिस्क्रिप्शन भी बहुत लंबे लंबे नहीं छोटे छोटे डिस्क्रिप्शन लेने कुछ अच्छे से वर्ड यूज़ करके फैंसी वर्ड यूज़ कर सकते हैं उसमें लेकिन समझाते हुए कि एग्जैक्टली आप खाना क्या दे रहे हैं अगर शॉर्ट में लिखते हैं डिस्क्रिप्शन ब्रैकेट में करके नीचे दैट इज़ गुड और जो सब नहीं पढ़ेंगे कुछ लोग पढ़ेंगे लेकिन जो लोग पढ़ेंगे वो अच्छे अच्छे कस्टमर ऑडियंस होती है वो ऑर्डर साइज़ भी उनका अच्छा होता है फिर ओके नाउ एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये दिखा रहा हूँ फॉन्ट ये मेन्यू दिखा रहा हूँ सिंपल सा मेन्यू है सिंपल से फॉन्ट्स यूज हुए हैं मल्टीपल फॉन्ट यूज़ किए लेकिन दो तीन फॉन्ट से ज़्यादा आपको फॉन्ट नहीं दिख रहे सो ट्राई टू कीप इट सिंपल दूर दूर स्पेसिफिक और जैसे ही आप मेन्यू को इस तरीके से डिजाइन करोगे इट विल पॉप अप आंखों के सामने अलग ही दिखता है ओके सो नाउ कमिंग टू इमेजेस कई बार फूड इमेजेस जो है आंखों से ही आप पहले खाना खाते हो राइट तो आंखों से जब दिखता है अच्छा तो मन आता है मुंह में पानी आ जाता है अभी हमें फोटो दिखाया शायद आ रहा है क्या नहीं आ रहा खाना खा लिए नहीं खाए <laughs> अगर अगर आपको भूख लग रही है और इसी समय खूबसूरत सा कुछ खाना आ जाता है सामने तो मन कर जाता है चलो यार इसको तो मंगा के देखते हैं और इसको आप अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए भी यूज कर सकते हो आर यू गेटिंग इट नाउ यूज इमेजेस कौन सी इमेजेस अगेन uh, किस तरह से मेन्यू डिज़ाइन में आप इमेजेस यूज़ कर सकते हो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारे एक स्टूडेंट हैं कम्युनिटी मेंबर हैं संजू उनका मेन्यू है पीकू बिरयानी और किस तरीके से उन्होंने यू नो इमेजेस को यूज़ किया खासकर जो बेचना चाहते हैं वो उसको यूज़ किया है अब कई बार ऐसे में लोग डाउनलोड करके इमेज यूज़ करते हैं स्टॉक इमेजेस डोंट डू दैट हमने फोटोग्राफी पे भी पास्ट में एक सेशन किया हुआ है वीडियो भी किया है कम्युनिटी में भी ज्वाइन करके और सीख सकते हैं इसके बारे में हमारी पेड कम्युनिटी है कोर्सेज हैं बहुत कुछ है आपके लिए आखिरी में बताऊँगा उसके बारे में लेकिन जब आप फोटोग्राफी अच्छे से करके भले ही करें मोबाइल से करें हो सकता है यूज करते हो फोटोग्राफ तो वो एक ऑथेंटिसिटी दिखाती है आपकी ऑथेंटिसिटी ट्रस्ट बिल्ड होता है सो so, कोई भी इमेज स्टॉक इमेज ना यूज करें और इमेजेस वो यूज करें उन आइटम्स की जिसको आप बेचना चाहते हैं या जिसपे आपके प्रॉफिट ज्यादा है गॉट दिस तो जब आप हाई पॉपुलर आइटम्स की और जिस पे आपके मार्जिन ज्यादा हैं जिसकी वैल्यू ज्यादा है उसकी फोटोज यूज करते हैं चांसेस आ रहे उसके ऑर्डर ज्यादा आएंगे क्योंकि ऑर्डर करने से पहले मैं देख पा रहा हूं कि ये दिखेगा कैसा तो चांसेस आर गुड ऑर्डर कर सकते हैं सुनो मेक सेंस दो पॉइंटर्स और बताने वाला हूं मैंने प्रॉमिस किया था आज इस वीडियो में मैं पांच ऐसी टिप्स बताऊंगा जो आपके मेन्यू को और खूबसूरत बना दे लेकिन प्लीज अगर सब्सक्राइब नहीं किया है लाइक नहीं किया है ऐसे वीडियोस करने में यार बड़े एफर्ट लगते हैं आप देख रहे हो कितने सारे ग्राफिक्स यूज कर रहे हैं ऑल ऑफ दैट और ये मैं लाइव कर रहा हूं सो लाइव में एडिटिंग भी कर रहा हूं साथ के साथ अब सोचो आज पाँच मार्च को हम लोग कर रहे हैं इसको लगभग साढ़े आठ बजे तो प्लीज़ लाइक कर देना हमें बड़ा मोटिवेशन मिलता है ऐसे और वीडियोस बनाने में और नीचे कमेंट में ना प्लीज लिख के बताना कि आपको आगे कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए अगर आप बताओगे तो मैं मेन्यू का और एडवांस मॉड्यूल भी बताऊंगा ठीक है लिख देना मेन्यू एडवांस तो मुझे समझ में आ जाएगा कितना डिमांड आ रही है तो विल क्रिएट सेकेंड वीडियो पार्ट टू ऑफ मेन्यू डिजाइनिंग एडवांस मॉड्यूल ठीक है सो नाउ कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट आज के इस वीडियो का फोर्थ पॉइंट है कीवर्ड्स को यूज़ करें स्पेशल कीवर्ड्स को कुछ मेन्यू आइटम हाईलाइट करने में ये मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है शायद आपके साथ भी हुआ होगा जब भी आप कभी गए ऑर्डर करने किसी रेस्टोरेंट में या ऑनलाइन आप ढूंढ रहे हैं ऑर्डर करने के लिए और ख़ासकर रेस्टोरेंट में तो बहुत फनी होता है क्योंकि आपने वेटर को बुलाया सर प्लीज़ बताइए आप क्या अच्छा क्या है और उसने कहा सर सब अच्छा है अब तो और कंफ्यूज आप क्योंकि अब और नहीं समझ आ रहा है कि क्या ऑर्डर करें तो इन कन्फ्यूजन्स को दूर करें चाहे आपका रेस्टोरेंट कैफे या क्लाउड किचन ही क्यों ना हो उस पर आप फोकस करें कि लोगों को सोचना ना पड़े कि क्या ऑर्डर करना चाहिए अब ये कीवर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो अलग अलग आइटम्स के साइड में ताकि बाय डिफॉल्ट उनको पता है कि क्या रिकमेंड आप कर रहे हो आप शेफ़ स्पेशल कुछ आइटम पे लिख सकते हो अब बहुत सारा मत भर देना सारे यूज़ नहीं करना है दो तीन मैक्सिमम शेफ स्पेशल कुछ आइटम पे लिख दिया किसी पे रिकमेंडेड लिख दिया फर्स्ट टाइम रिकमेंडेड और समथिंग किसी पे बेस्ट सेलर लिख दिया ये हमारा बहुत बिकता है या मस्ट ट्राई लिख दिया या ब्रांड्स स्पेशल आपका ब्रांड जैसे पीकू बिरयानी मैंने दिखाया एग्जाम्पल तो पीकू बिरयानी इज स्पेशल और उसका टैग डाल दिया पीकू बिरयानी स्पेशल तो ऐसा जो जैसे पांच मेन्यू आइटम है तो पांच में से एक पे हाईलाइट करना मान लीजिए एक कैटेगरी में पांच आइटम है तो उसमें एक आइटम हाईलाइट होना चाहिए दूसरी कैटेगरी में फिर दूसरे आइटम हाईलाइट कर सकते हो तो इसी तरह स्पेशल वर्ड्स देखो आप क्या कुछ देसी वर्ड यूज कर सकते हो कि है ना एक नंबर या फिर भोकाल है ना यूपी में यूज होता है बहुत पॉपुलरली इस टाइप का आपकी लोकल लैंग्वेज में ऐसा कोई खतरनाक वर्ड हो जो आप यूज़ करना चाहें आप वो भी लिख सकते हो हाईलाइट करने के लिए तो आदमी अट्रैक्ट होता है ऐसी चीज़ों से ये था नंबर फोर और फिफ्थ पॉइंट है अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चूज राइट कलर स्कीम हर कलर कुछ कहता है वो आता था ना एशियन पेंट्स का सो so, यहां पे मैंने कुछ कलर्स का लिखा हुआ है कि क्या क्या मतलब होता है उन कलर्स का जैसे रेड कलर जो है हंगर का प्रतीक होता है भूख जनरेट करता है ठीक है और इसीलिए फास्ट फूड चेन्स देख लो मैकडोनल्ड्स uh, के एफ कितने चेन्स आप देखोगे फास्ट फूड वाले हंगर जनरेट करना चाहते हैं रेड कलर ज़्यादा यूज करते हैं अब बाहर जाना मार्केट में तो ऑब्जर्व करना कि कौन सा ब्रांड कौन सा कलर यूज़ कर रहा है यहां मैंने सिर्फ फूड के रिस्पेक्ट में बात की है आपको और भी ब्रांड्स मिलेंगे लेकिन वो सब भी कही कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं साइकोलॉजी से ऑरेंज कलर जो होता है वो खुश खुशी का कलर होता है चीयरफुल कलर होता है अगेन फास्ट फूड्स काफ़ी यूज़ करते हैं ऑरेंज कलर भी ग्रीन जो होता है वो हेल्दी का प्रतीक होता है या नेचुरल आप यू नो फ्रूट्स यूज कर रहे हैं नेचुरल सब्जियां यूज़ कर रहे हैं केमिकल है, फ्री है और इस टाइप का हाईलाइट करने के लिए ग्रीन यूज़ होता है और कई बार ग्रीन में अगर प्राइस लिखते हैं तो वो भी इनक्रेज करता है लोगों को खरीदने के लिए एंड देन येलो इज अगेन कैपिन कलर ऑफ हैप्पी एंड यू नो हैप्पी एंड हैप्पीनेस एंड न्यू ऑल्सो कुछ नया चीज़ का प्रतीक भी होता है सो इसीलिए चूज योर राइट कलर स्कीम तो गाइज आई होप ये छोटा वीडियो होता है YouTube पे टाइम लिमिटेड होता है आई होप इस छोटे से टाइम में मैंने आपको कुछ सिखाया आज आपको कुछ हेल्प की अगर आपको हेल्प मिली तो मैं चाहता हूं कि आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट है मेरे पास इसको मिस मत करना हम एक डिटेल्ड वर्कशॉप कर रहे हैं लाइव वर्कशॉप जिसमें हम फूड बिजनेस क्लाउड किचन की बात करेंगे अगर आप रेस्टोरेंट कैफे या क्लाउड किचन किसी में भी इंटरेस्टेड है तो इस वर्कशॉप में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा वैसे तो ये दो घंटे की वर्कशॉप होती है जिसकी चार्जेस होते हैं नाइन 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 रुपीज़ लेकिन आज क्योंकि ये लाइव सेशन हो रहा है नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दिया है अगर आप अभी तक कम्युनिटी का पार्ट नहीं है जिसका नाम है क्लाउड किचन नेटवर्क कम्युनिटी हमारी तो आपको डेफिनेटली ये वर्कशॉप अटेंड करनी चाहिए जिसमें आपको सीखने को मिलेगा बहुत कुछ प्लस मैं ऑप्शन भी दूंगा इस कम्युनिटी को ज्वाइन करने का क्लाउड किचन नेटवर्क कम्युनिटी पच्चीस हजार रुपए की कम्युनिटी है ईयरली लेकिन आपको एक स्पेशल ऑफर मिलेगा आप इस वर्कशॉप में आओ सीखो और लगे अगर कि आपके लिए है देन ओनली गो फॉर इट कंपलसरी नहीं है ठीक है अगेन मैं इसी तरह बार बार सेशंस करता रहूं आपके लिए वीडियोज लाता रहूं इसके लिए हमें थोड़ा सा चार्ज कर दो और हम हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए हमें आपसे सिंपली एक लाइक चाहिए सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो वैसे बहुत सारे लोग सब्सक्राइब करते हैं लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी भी सोच रहे हैं पता नहीं क्यों कर दो और बेल नोटिफिकेशन हिट कर लो अगली बार हमारा कोई भी वीडियो आएगा उससे पहले आपको पता चल जाएगा नॉड इट और मैं एक और काम करूंगा डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दूंगा उसको भी जाके ज्वाइन कर लेना आफ्टर दिस सेशन इज ओवर ताकि कभी यूट्यूब आपको अपडेट ना डाले तो टेलीग्राम ग्रुप से आपको अपडेट मिल जाए कभी कभी होता है यूट्यूब नहीं देता है right? so, and, uh, like and, uh, so, और राइट सो गो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड और मिलते हैं अगले वीडियो में या फिर लाइव वर्कशॉप में ओके okay. और आज हमारा टॉपिक था जिसमें आपने सीखा कि कैसे अट्रैक्टिव मेन्यू बनाए फूड आइटम्स का आई होप आपको सीखने को मिला हो आज और और सीखना चाहते हैं और सवाल भी होंगे मन में आइए पूछिए मुझसे मिलिए लाइव वर्कशॉप में तब तक के लिए सी यू बाय ऑल द बेस्ट